ऑल राइट माई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टू स्वीट शो। बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। फाइनली PS5 हमारे शो पर आ गया, सो वी आर गोना बी अनबॉक्सिंग दिस थिंग। कुछ गेम्स भी खेलेंगे, उनका गेम प्ले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वी आर गोना बी डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस, सो विदाउट एनी मोर डिलेज लेट्स किक थिंग्स ऑफ एंड लेट्स चेक आउट PS5। ऑल राइट, तो सबसे पहले एज ऑलवेज अनबॉक्स की ही बात करते हैं। बहुत ही प्यारा और सिंपल किस्म का डिजाइन है, देयर इज नो क्रेजी स्टफ गोइंग ऑन। बेसिक सी ब्लैक बैकग्राउंड है, उस पर लोगोज हैं, इट सेज 4K 120। हमारे पास काफी प्यारे प्रोडक्ट शॉट्स हैं प्लेस्टेशन के फ्रंट फेसिंग पोज में, और कंट्रोलर भी दिखाया हुआ है। मेरा डब्बा थोड़ा सा डेंटेड है, और अगर हम ऑल द वे टू द बैक जाएं तो हमारे पास मजीद और तस्वीरें, प्रोडक्ट शॉट्स हैं, और जैपनीज लिखी हुई है जो आपके केस में इंग्लिश ही होगी। लेफ्ट साइड पे वी हैव मोर प्रोडक्ट शॉट्स, जिसमें PS5 को स्टैंडिंग पोज में दिखाया गया ऑन द बेस दैट इट कम्स विद। साथ में कंट्रोलर है, होम लोगो है, और टू द राइट साइड पे ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक ब्लैक बैकग्राउंड है और लोगोज है। तो हर PlayStation के डब्बे की तरह यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा ही सीन है। एक तो ब्लू टॉप है हमारे पास, लिड्स हैं ये बेसिकली, और हमारे पास एक हैंडल है जिसको हमने कभी आज तक यूज नहीं किया, क्योंकि हर कोई डरता है कि नीचे से डब्बा ना फट जाए और चीज ना निकल आए। तो लिड्स को हम खोलते हैं, फ्लैप्स को हम टू द लेफ्ट और राइट वाले को टू द राइट पुश करते हैं, और ये जो व्हाइट कलर का डब्बा आप देख रहे हैं, इसके अंदर होंगी हमारी एक्सेसरीज। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो आती है वो है हमारा PlayStation 5 का डिस्प्ले बेस, जो कि एक टिपिकल पीस ऑफ मतलब प्लास्टिक या स्लैब टाइप चीज़ नहीं है। यू गॉट एक्चुअली अलाइन इट टू द PlayStation कंसोल टू प्रॉपरली यूज इट। तो अच्छा है, लाइट वेट है, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ बिट हैवी, लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट निकला है। तो अब हम अपने कार्डबोर्ड के फ्लैप को करते हैं टू द लेफ्ट और जाते हैं अगली आइटम की तरफ, विच इज़ द बोरिंग पावर केबल। और अच्छी बात है कि 2 पिन्स वाली है, ये 3 पिन्स वाली नहीं है, आराम से लग जाएगी हर एक्सटेंशन और हर वॉल इनपुट में, हर वॉल जैक में, सॉकेट में, जो भी कह लें। और ये रहा जी हमारा DualSense 5 कंट्रोलर, द DualSense कंट्रोलर 5 नहीं, और वही प्यारे से स्टायरोफोम में, अच्छे स्टायरोफोम के अंदर आता है। बड़ी सेटिस्फाइंग फील है यार इस पूरे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, मतलब जब नई चीज़ आती है और एक वो अच्छी चीज़ हो तो फील ही और होती है। हम पहले भी अच्छी तरह से अनबॉक्स कर चुके हैं, उसका इंप्रेशन और रिव्यू वीडियो भी कर चुके हैं। आई एम नॉट गोना टॉक अ लॉट अबाउट दिस अगेन, ब्यूटीफुल थिंग इनसाइड एंड आउट, नई नई चीज़ है, नई नई फील्स हैं इसकी। सो या, इसको रखते हैं अब हम साइड पे। ऑफ कोर्स नए कंसोल्स हैं तो नई उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और अपग्रेड्स हैं, सो या यू नीड एन HDMI 2.0। और ये रहा वो सब कुछ जो निकला है हमारे व्हाइट वाले एक्सेसरीज बॉक्स में से। व्हाइट वाले बॉक्स के बाद हमारा PlayStation का कंसोल हमारा इंतजार कर रहा है स्टायरोफोम के अंदर रैप्ड, सपोर्टेड बाय 2 पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड। और ये सीन मैंने इसीलिए कट कर दिया क्योंकि उसको निकालना बहुत मुश्किल था, और एवी गिर जाता तो सारा काम खराब हो जाता। तो इनफ ऑफ दैट, अब हम अपने स्टायरोफोम की लेयर को उठाते हैं। पहले उठाते हैं हम उसको लेफ्ट साइड से, और क्या बातें हैं, मतलब दिस इज अनरियल मैन, दिस इज एब्सोल्युटली अनरियल। राइट साइड से भी उठाते हैं, हियर इज द PlayStation 5 कंसोल इन ऑल इट्स ग्लोरी। सो ये रहा PlayStation 5 हमारी वेरी ओन TTSS की टेबल पे, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यू नो वी हैव गॉट अ बंच ऑफ USB पोर्ट्स ऑन द फ्रंट। और ये जो लेफ्ट और राइट साइड पे आप देख रहे हैं ना, काफ़ी स्लिम डाउन है नीचे से। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये फिजिकल एडिशन होता ना, तो वन ऑफ द साइड्स पे बल्ज होता है जिधर हमारी डिस्क ट्रे ने आना था। और अगर हम इसको साइड वेज पर लेके जाएं तो बहुत ही प्यारा वाइट कलर में हमारे पास पूरा कंसोल है। एक्चुअली वाइट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट शेड है, आई थिंक कैमरा इसको जस्टिस नहीं दे पाएगा। और इसका एक प्रॉपर कर्वी सा मोशन है, ये बहुत स्ट्रेट या टिपिकली फ्लैट नहीं है, काफ़ी कर्वी सा इसका मोशन है, काफ़ी कर्वी सी इसकी शेप है। अब आपको बेहतर आइडिया होगा उस चीज़ का। और बैक साइड को अगर हम देखें ना, तो ये प्रॉपर एक स्पाइन टाइप फील देती है, यू नो प्रीटी मच लाइक एलियन। लेट मी नो अगर आपको भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे तो एलियन काफ़ी जोर का याद है इसकी बैक साइड देख के। एंड ऑफकोर्स एंड टू द अदर साइड देयर इज नॉट मच, बट अगेन आई वुड से कि कर्वी जो मोशन है ना इसका, वो जब आप इसको इन पर्सन देखते हैं तो वो वाकई बहुत चीज़ पॉप आउट करती है, लाइक काफ़ी ज़्यादा सीरियसली। हॉरिजॉन्टली PlayStation इस तरह का लगता है बैक साइड से स्टैंड पर अपने प्लेस हुआ हुआ, और बेस बड़े स्नगली इस चीज़ को ग्रिप कर लेती है। तो हमारे पास 2 USB पोर्ट्स हैं, एक ईथरनेट पोर्ट है, वी हैव अवर HDMI एंड अवर पावर स्लॉट। और अगर हम इसको वर्टिकली स्टैंड पर रखें तो कुछ इस तरह का सीन बनता है ना, आई थिंक इट लुक्स प्रीटी डिसेंट, ना ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है, ना ज़्यादा हिडन है, आई थिंक इट लुक्स गुड। PlayStation 5 को आप देख सकते हैं इस फ्रेम में मेरे मॉनिटर के साथ। बाय द वे दिस मॉनिटर इज 1440p व्हिच द PlayStation 5 डजंट रियली सपोर्ट। तो यहाँ पर 1080p आउटपुट ही मिल रही है इस मॉनिटर पे, लेकिन मैं कहता हूँ क्या बात है भाई, लाइक अभी मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, जस्ट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, ये मेरे एज रियल एज इट गेट्स वाले फर्स्ट इंप्रेशंस है। सीरियसली PlayStation 4 से जब आप ट्रांजिशन करते हैं ना PS5 पे, माइल्स मोरेल्स मैंने एंड की हुई है PS4 पे एंड ऑन द PlayStation 5, परफॉर्मेंस मोड 60 फ्रेम्स के अंदर इट फील्स लाइक अ टोटली डिफरेंट गेम। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना फ़र्क है।
ऑफकोर्स कोर एक्सपीरियंस तो आपका सेम ही रहता है, लेकिन जो इन्हेंसमेंट्स आती है ना वो बहुत ही ज़्यादा देयर आउट इन द फ्रंट। सैडली मैं इस वीडियो को 60 फ्रेम्स के अंदर रेंडर नहीं कर सका टू शो यू हाउ इट रियली लुक्स, बट राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन आई एम प्रीटी श्योर आप बता सकते होंगे कि सिर्फ 1080 में ही कितना फ़र्क है। लाइक आई कांट इवन इमेजिन 4K 60 पे कितना फ़र्क आता होगा और 4K 120 पे कितना फ़र्क आता होगा, लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट 1080p एंड 60 फ्रेम्स, अमेजिंग स्टफ। मतलब मज़ा आ गया था फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ स्पाइडरमैन, जो कि कैरेक्टर ही ऐसा है जिसने बहुत रैपिडली मूव करना होता है, फिर उसके पंचेज, उसकी यू नो मूव सेट्स एंड एवरीथिंग हैपनिंग ऑन द स्क्रीन इज जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। फुल टाइम मज़ा आ गया था मुझे एंड आई विश कि मैंने इसको PS4 पर ना खेला होता और डायरेक्टली PS5 पर खेला होता। कमाल का सीन है, ग्राफिक्स के अंदर एक प्रॉपर डेप्थ है, और अगर आप फिडेलिटी मोड में चले जाएं तो PS5 आपका उसको 30 फ्रेम्स पर ले आता है लॉक्ड, बहुत ही स्टेबल 30 फ्रेम्स है, लेकिन आपके जो ग्राफिकल क्वालिटी है वो बहुत जोर की इनहेंस होती है। दूसरी गेम जो मैंने PlayStation 5 पर ट्राई आउट की थी वो थी एस्ट्रोस प्लेरूम, और अगर तो लोग इसको डेमो कह रहे हैं ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं, ये वैसे मेरे ख्याल से इस गेम के साथ ज्यादती है क्योंकि ये अपने आप पर ही एक बहुत अच्छी गेम है। इट्स ए प्रॉपर फुल ऑल आउट वीडियो गेम। हाँ, इसकी लेंथ छोटी है, ये 4-5 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ओ माई गॉड, मतलब मैं ओए होए वाला सीन है x100। अब आप खुद ही समझ जाए कि ये कितनी ज़बरदस्त है। दिस इज़ अ प्रॉपर वेलकमिंग गिफ्ट फ्रॉम सोनी टू PlayStation 5 प्लेयर्स। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इन शॉर्ट ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको ये सब कुछ शोकेस करती है, व्हाट द कंसोल इज केपेबल ऑफ, कंसोल आपको क्या क्या ऑफर करता है, एंड स्पेशली कंट्रोलर। शुरू में एक डेमो वो दिखाते हैं आपको कंट्रोलर की डिफरेंट वैरायटी ऑफ फीचर्स दैट इट हैज, लेकिन ये गेम जब आप खेलते हैं तब आपको ट्रूली पता चलेगा कि भाई सीन क्या है PlayStation 5 का और इसके अंदर क्या ऐसी चीजें, वो व्हाट मेक्स द PS5 स्पेशल। अगेन अगर कोई गलतियां मैं कर रहा हूँ बोलते हुए तो माजरत, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है एंड यू नो आई एम ट्राइंग टू स्टे एज ऑनेस्ट एज आई कैन अबाउट दिस गेम। ओए होए होए, मज़ा आ गया। मतलब मैं तो स्पाइडरमैन वगैरह को छोड़ के इस पे लग गया था क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा था। एक तो ये बहुत ही प्रॉपर सॉलिड प्लेटफॉर्मिंग एक्शन देती है हमें, टेक्सचर्स बहुत प्यारे हैं, इसका साउंड डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और उसके बाद ये PS5 को बड़े अच्छे तरीके से शोकेस करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मोशन सेंसर को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम अडैप्टिव ट्रिगर्स को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कंट्रोलर आपका एग्जैक्टली उस तरह बिहेव करता है जिस तरह आपका कैरेक्टर आपकी गेम में बिहेव कर रहा है। तो लेट से फॉर इंस्टेंस अगर आपका कैरेक्टर घास पे चल रहा है तो वो आपको घास टाइप की फील देगा, घास टाइप का मोशन देगा वाया यूटिलाइजिंग दी वेरी वास्ट वाइब्रेटिंग मैकेनिक्स। अगर हम किसी रॉकी माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, अगर हम पानी पे स्लाइड कर रहे हैं तो वो उस तरह का मोशन देगा, उस तरह का साउंड देगा कंट्रोलर। सो लाइक सुपर एंगेजिंग स्टफ, अनबिलीवेबल स्टफ, लाइक सीरियसली अनबिलीवेबल। मैं पहले तो समझ रहा था कि बड़ा ही कोई गिमिकी सा सीन है, इतना नहीं मज़े का होगा, लेकिन इट ट्रूली वेंट अबव माई एक्सपेक्टेशंस। मतलब मैं आई विश मैं आपको अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर सकता, बट आई हैड वेरी लिमिटेड टाइम विद द PS5, कपल ऑफ आवर्स, तो उसमें मैं जो जो चेक कर सका था वो मैंने किया, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई प्लेड दिस गेम। लाइक पूरी मज़ेदार गेम, मज़ेदार बॉस फाइट, द फैक्ट दैट इट ट्रूली शोकेसेस PlayStation 5, अमेजिंग स्टफ। हाँ, मुझे अभी से एक फील आ रही है कि शायद इन द नियर फ्यूचर सारी गेम्स ना ऐसे ही यूटिलाइज कर सकें कंसोल को और कंट्रोलर को, लेकिन जो एस्ट्रोस प्ले रूम ने कर दिया ना, देर डेफिनेटली शुड बी अ पार्ट टू ऑफ द गेम, और अब मुझे पड़ेगी और मैं गिर जाऊंगा ये। लास्टली माय फ्रेंड्स, जो मैंने गेम खेली थी वो थी डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स बैटल रॉयल, जो कि फ्री गेम थी फॉर द मंथ ऑफ फेब ऑन द PlayStation 5। ये एक एक्सक्लूसिव गेम है, और इसकी जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि एज यू नो हम कंसोल प्लेयर्स एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं कि जब कट सीन से गेम प्ले में ट्रांजिशन लेती है ना गेम, तो एक वाजे फ़र्क आता है टेक्सचर्स के अंदर, दिस अ होल डिफरेंट थिंग। यहाँ पर PlayStation 5 कम्प्लीटली एलिमिनेट्स दैट थिंग, और स्पेशली इस गेम में मैं कहता हूँ भाई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो इसके विजुअल्स है ना ज़बरदस्त किस्म के, फ्रॉम द कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन, आपके गेम प्ले एक्शन से पहले एक कट सीन आता है जिसके अंदर आपके सारे हीरोज जो हैं वो स्टेडियम में आते हैं, अपने शशके मारते हैं, जंप मारते हैं, उससे गेम प्ले में ट्रांजिशन करना इज जस्ट माइंड ब्लोइंग स्टफ। मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, आई वॉज इन टोटल शॉक, आई वॉज इन टोटल ऑ, और मैं जो था ना वो फुल टाइम फैन गैजमिंग कर रहा था प्ले स्टेशन पे कि भाई ये तो वाकई उस तरह की चीज़ है जैसी एवरीबडी वॉज टेलिंग इट अबाउट। यू नो एवरीथिंग दे से टू दिस पॉइंट अबाउट द PlayStation 5 इज सुपर सुपर ट्रू, मतलब कोई एग्जैजरेशन नहीं है। ये अब आपको बंटू भाई ने भी कन्फर्म कर दिया। सो या दीज वर माई फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द PlayStation 5, आपके लिए अनबॉक्सिंग भी बनाई, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, ऐसी टू स्पीड शो को सपोर्ट करते रहें। अब इंशाल्लाह एक डिटेल्ड व्यू रिव्यू भी आएगा और आगे जाके मजीद और नेक्स्ट जेन कॉन्टेंट भी आएगा। सो या बी ऑन द लुकआउट,
TTSS को अगेन YouTube पर सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें। दिस इज योर होस्ट बंटू केज सेइंग अलविदा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।